सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना बनाई है ताकि झुग्गी झोपड़ी व कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों का भी पक्का मकान बन सके, परंतु बड़े अफसोस की बात है कि कौशाम्बी जनपद के कड़ा ब्लाक के अंधावा गांव निवासी पंचम लाल सहित 15 परिवारों का आज तक पक्का मकान न बनने से भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं महेश और ये है मेरा समुदाय। हमको यही है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो घर की है। घर में क्या दिक्कत है? घर में दिक्कत यही है कि पूरा बारिश से गिर गया, थोड़ा बहुत जो कच्चा मकान था जो सही साट था वो भी ये बारिश में 15-20 दिन की लगातार बारिश में सब पूरा गिर गया, एकदम से बेघर हो गए हम लोग। घर गिरने के बावजूद से हम बाल बच्चों को भी छोड़ रखे हैं, अपने मायके में पड़े हैं सब बच्चे। समस्या हमारे यहाँ घर द्वार हमारे पास सब गिर पड़ गए और घर द्वार कुछ है नहीं, आवास की जरूरत थी। अगर आवास मिल जाती तो हमारा भी घर बसर किसी तरीके होता। घर गिरने से क्या क्या परेशानियाँ होती हैं? बारिश में सोने की रहने की दिक्कत है। अरे हमको तो बहुत समस्या, ना हमारे घर है ना जुगाड़ है, ना हमारे कारत है ना कुछ है बेटो, कुछ सहारा हो तो वह नहीं है। कच्चा घर होने से क्या परेशानी होती है आपको? परेशानी यही है कि दो बार से लग चाहे हमारी कोठा गिरा चाहे पारा बरसाते में, अब अगर चुआ थे तो का करी हारे पर चाहे पारी। घर नहीं है। आवास मिला है आपको? नहीं मिला। आपके परिवार में कितने लोग हैं? 4 लोग। खेती बाड़ी है आपको? नहीं है। तो घर का खर्च कैसे चलता है आपका? मजदूरी से चलता है खर्च। ये समस्या कितने लोगों को है आपके गांव में? 20-25 घर होंगे। आवास पाने के लिए आपने कोई प्रयास किए हैं? प्रयास तो हमने बहुत किया है। बहुत किए न पाई, बहुत किए न मिले नहीं। किन से किए हैं? रहे प्रधान, मिलते मिलबे नहीं भी आए। यही प्रधान से कई दार कहा कागज समेत दिन, वो कागज समेत गायब है। प्रधानों से बहुत कहा सुनिए, ठीक पास तो हम पहुँच नहीं पाए मौके से, कभी काम में है तो कभी कहीं है, जितना संपर्क था अपना सही बाज लगाएं, कोई आज तक हमारी प्रधानों से कई बार रिक्वेस्ट किए कि हमको भी एक आवाज़ दिला दो, दे दो, हम भी हमारा भी रहने के बारिश में कम से कम अच्छे सुकून से रहें हम भी। फिर क्या हुआ? तो कोई सुनाई नहीं हुई आज तक। हम तो यही चाहते हैं कि हमारे ये घर द्वार जो है आवास उवास मिल जाती है हमको, सब लाइटिंग फाइटिंग तो कुछ दूर तो हमारा दूर दूर हो जाता, फिर तो कुछ तो हम भी करते हैं, ऐसा नहीं है बिना करने से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट कोई सालाना हमको तो दे नहीं पाएगी। मैं और मेरा समुदाय ये चाहता है कि इन सभी का जल्द से जल्द पक्का मकान बने ताकि इनकी समस्या दूर हो। इस वीडियो को देखने वाले आप सभी दर्शकों से हमारी अपील है कि कड़ा ब्लाक के वीडियो के मोबाइल नंबर 94-54-46-45-75 पर कॉल कर दबाव बनाएं ताकि इनकी समस्या दूर कराई जा सके। मैं महेश कुमार, कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहर्ड के लिए।